यूथ कांग्रेस मंडल नाहन ने आज कांग्रेस के 6 बागी विधायकों समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का नाहन में पुतला फूंका। यूथ कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार गिराने को हथकंडे अपना रही बीजेपी नेताओं को कभी सफल नहीं होने देंगे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आमिर खान ने कहा कि आज बीजेपी धनबल के दम पर कांग्रेस नेताओं को खरीदने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक थे जो हमारे कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में गए, उनके खिलाफ हमने आज उनके पुतले फूंके हैं। उनकी तानाशाही को देखते हुए और जनता का जो उन्होंने विश्वास तोड़ा है, उसके व्याप में हमने उनके आज पुतले जलाए हैं। और उसमें साथ ही में हमने डॉक्टर राजीव बिंदल जी का भी पुतला जलाया है, जयराम ठाकुर जी का, जो इस पूरे संज्ञान के मामले में जो इन्वॉल्व है, जो हर तरह से हमारे विधायकों को खरीदारी के लिए तो उकसाते रहते हैं। और जगह जगह पर जब भी देखते हैं, कभी केंद्र सरकार के साथ मिलकर, कभी अपना हिमाचल कांग्रेस सरकार के खिलाफ, इन्होंने जो भी जितने भी ये अजगंडे अदमा रहे हैं उनके नहीं चलने देंगे। बस इनका एक ही काम होता है कि जहां भी सरकार बनती है वहां ये लोग चले जाते हैं कि सरकार किसी भी तरह सरकार गिर जाए। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमारे, देखो आज इलेक्शन के टाइम में जब चुनाव खत्म हुए, सबसे पहले ओपीएस बहाल कराया और 1500 रुपये महिलाओं के लिए जो स्कीम चलाई है उसको भी एप्लीकेबल कर दिया है। बट किसी भी तरह जयराम ठाकुर की सरकार, जयराम ठाकुर जी और उनकी भाजपा वाले जितने भी हैं, ये सोचते हैं कि किसी तरह सरकार गिर जाए। और अगर इनको टिकट देगी तो जो भाजपा के जो विधायक जो ऑलरेडी इलेक्शन के लिए विधानसभा में लड़ते, तो वो कहां जाएंगे। तो मेरा तो आप लोगों से भी यही है कि कांग्रेस बीजेपी की जो हम ये नियम जो इनके जो गलत जो तरीके हैं, हम युवा नहीं चलने देंगे शहर के अंदर क्या, हम पूरे हिमाचल में इनकी ये इस तरह की राजनीति नहीं चलने देंगे। गंदी राजनीति करती है शुरू से भाजपा को, 1.5 साल हमारी सरकार को बने हुए हो गया कांग्रेस पार्टी को। इन्होंने 1.5 साल से ही गंदे तरीकों से गंदी राजनीति करके हर तरह से ये सरकार को गिराना चाहते हैं, लेकिन हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। अगर 9 की 9 सीटों पर विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो हम वादा करते हैं आपसे, और ये दावा भी करते हैं कि हम 45 से 47 बता दें कि कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने बीते कल यानी शनिवार को दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद से पूरे हिमाचल प्रदेश में यूथ कांग्रेस की ओर से बागी विधायकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।